पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नीशमा मैम और अंकुर सर यानी कि ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ गोकू एंड ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ चीची ने हमें बताया कि कैसे उनका ड्रैगन बॉल से कनेक्शन हुआ एंड कैसे उनको उनके रोल्स मिले एंड साथ ही में हम लोग को काफ़ी कुछ बताया ड्रैगन बॉल को इंडिया में लेकर एंड क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में। एंड वो इंटरव्यू का पार्ट वन था जैसा ही मैंने बताया। एंड उस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए, आप लोग पीछे बढ़ गए थे कि भाई जल्दी पार्ट टू लाओ, हमें देखना है नीशमा मैम एंड अंकुर सर को ड्रैगन बॉल के बारे में और ज़्यादा बातें करते हुए। तो सॉरी फॉर द डिले, कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, पर आप लोग के लिए पार्ट टू ऑफ द इंटरव्यू सेशन हाजिर है। तो आज मैं नीशमा मैम और अंकुर सर से आपके लिए कुछ अमेजिंग मसालेदार क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो कि मुझे पता है आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ड्रैगन बॉल जी के बारे में आप लोग को काफ़ी कुछ पता चलने वाला है एंड बाकी सब चीज़ों को भी लेकर। और हाँ यार, एक और बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि दोनों ही सेशंस इंटरव्यू के एक ही साथ रिकॉर्ड किए गए थे, यानी कि एक ही दिन एक से डेढ़ महीने पहले। एंड हमने सोचा इन इंटरव्यूज़ को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड अगेन सॉरी फॉर द डिले, एक से डेढ़ महीने बाद आ रहा है ये वीडियो, तो कोई नहीं, आज इन्जॉय करो नीशमा मैम एंड अंकुर सर के साथ इस अमेजिंग इंटरव्यू को। तो फिर फटाफट से शुरू करते हैं इस लाइव अमेजिंग इंटरव्यू को, लेट्स बिगिन। आपका सवाल ये है कि आप हिंदी के अलावा कौन सी लैंग्वेज प्रिफर करेंगे अगर ड्रैगन बॉल देखना हो तो, जापानीज और इंग्लिश? तो इसके लिए मेरा जवाब ये है कि क्यों इसको सीमित करना है। ये सेम चीज आई विश के अगर कोई एनिमे, दूसरे जो एनिमे के यूट्यूबर्स हैं वो भी हमें इनवाइट करें उनके चैनल्स पे, बिकॉज मैं ये एक चीज जो 18 यू नो और अंडर 18 के जो बेल्ट के जो है दे प्रिफर एंड दे यू नो ऑल आउट जाकर के बोल देते हैं कि वी प्रिफर वॉचिंग इट इन जापानीज एंड वी प्रिफर इंग्लिश सबटाइटल्स टू दैट, और सम पीपल एंड अप सेइंग के नो यार वी प्रिफर वॉचिंग इट इन इंग्लिश एंड यू नो हिंदी इज सो क्रिंज। तो माय पॉइंट इज दिस दैट वी ऑल who are in this voicing field come from extremely good families and are well educated. Yes, but sir. This is a profession and that is the reason why we have to speak in Hindi and we have to dub it in Hindi, because India predominantly is the first language being Hindi. So there would not be any Hindi dubs if there was no business. So which just means, and the reason why I'm answering this is because so that you all know that I can speak English, पर मैं हिंदी में आ जाता हूँ because सुनने वाले बहुत ज़्यादा हिंदी में भी होंगे। Yes sir, correct. तो ये एक बहुत बुरा notion है। नीशमा और मैं हम दोनों ads, बहुत सारी ads और commercials dub करते हैं, तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि advertising जो है वो सिर्फ English या हिंदी में dub नहीं होते हैं। हमारी जो भी regional languages है, जो prominent regional languages है, you know, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सभी में वो डब होती है, you know? And इन सभी में अच्छा मार्केट पैन इंडिया जो बोलते हैं, हिंदी पैन इंडिया टेलीकास्ट होती है और ये सभी जो रीजनल चैनल्स हैं उनमें ये लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट होती है। तो अगर मानो ड्रैगन बॉल भी अगर इंडिया में प्रोमिनेंटली अगर आता है, हिंदी में डब हो रहा है, और कल उठ करके अगर रीजनल लैंग्वेज में भी डब होने लगे तो क्या बुरा है? अगर आप सच्ची ड्रैगन बॉल फैन है तो आपका ध्येय क्या है कि ड्रैगन बॉल और मशहूर हो, यू नो, और लोग जाने के बारे में, या आप सिर्फ यही चाहेंगे नहीं सिर्फ हम लोग जो इंग्लिश समझ सकते हैं हम लोग ही देखेंगे और इसे हम तक ही सीमित रखेंगे? तो दैट्स बिकमिंग वेरी सेल्फिश, राइट? यस सर, वो गलत हो जाता है, करेक्ट। सो अगर आप एक्चुअली इस एनिमे ना सिर्फ ड्रैगन बॉल, जो भी दूसरे हैं, अटैक ऑफ टाइटन्स है, यू नो, डीमन स्लेयर है, डेथ नोट है या वगैरह, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो सारे आए। और व्हाई जस्ट हिंदी, व्हाई जस्ट हिंदी एंड व्हाई हिंदी इज क्रिंज यार, मतलब इट्स अ लैंग्वेज, देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस व्हिच इज वाचिंग इट, एंड व्हाई जस्ट हिंदी, व्हाई नॉट अदर रीजनल लैंग्वेजेस टू? आपको पता है कि ये जो इंग्लिश टू हिंदी जो फिल्म्स डब होती है, इंक्लूडिंग डेडपूल या व्हाटएवर, ये सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी डब होती है और ये सारे मार्केट्स की कलेक्शन इतनी सुपर्ब होती है, इसलिए प्रोड्यूसर एनकरेज हो जाता है कि और ये सारी फिल्म यहाँ पे और डब करें, बिकॉज उनके भी इन्वेस्टमेंट को उनको वो रिटर्न मिले। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे एनिमे यूट्यूबर्स को भी, और ये जो भी जो बेल्ट है जो कहता रहता है कि हाँ हम लोग तो यू नो वी प्रिफर वॉचिंग इट इन इंग्लिश और वी प्रिफर वॉचिंग इन जापानीज, ग्रेट, यू विल वॉच इट इन द लैंग्वेज विच यू वॉन्ट टू वॉच, बट वाई डिप्राइव सम अदर पर्सन to view it in the language he prefers. Very true. That becomes unfair. Yes, and sir.
to limit it to the language which I want to watch it in becomes slightly selfish. Just to add to this, Ankur, I remember dubbing Power Rangers in Marathi. Avatar जो series थी वो भी मराठी में dub हो चुकी है. Avatar, not the movie, yeah, I'm talking Avatar ही ना. Again, बहुत सारी series हमने मराठी में. Aladdin was dubbed in Marathi. ये जो साउथ की फिल्म्स है, साउथ की फिल्म्स है, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यू नो, राजेश कवा, संकेत मात्रे, यस सर, यू नो, गणेश दिवेकर, शानूर मिर्ज़ा, संचित वर्तक, सचिन गोले, ऑल ऑफ देम डूइंग अमेजिंग वर्क, ऑल ऑफ देम एंड अप डबिंग इट, और इतना बड़ा मार्केट बना है अभी, तो ये श्रेय उनको जाता है. उसी तरह से अगर जापानीज एनिमे आ रहा है, या एनिमे नहीं, या दूसरा भी कोई प्रोग्रामिंग है, वो दूसरी लैंग्वेजेस में अगर डब भी हो रहा है, वी शुड बी एनकरेजिंग इट, वी शुड नॉट बी डिस्करेजिंग इट. Very true. That is what I very strongly believe in that. And I've seen the industry more closely. Neshma has seen it more closely. So trust us when we say, ke hone do bhai, you know, is aap logon ke liye bhi achha hoga. Aur achhi animes yahan pe aayegi. Yes, sir, correct. Correct. Next question है कि Dragon Ball Super India में कभी हिंदी में डब क्यों नहीं हुआ? Because Dragon Ball Z को इतना ज़्यादा support किया गया था sir and ma'am, but उसके बाद जो seasons थे वो हिंदी में क्यों नहीं आया? And क्या कार्टून नेटवर्क ने कभी आपको ऐसा बोला था उसे हिंदी डब करने, या फिर इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? तो इसके बारे में तो एक पूरा एपिसोड बन सकता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने थोड़ा थीसिस किया है, और नेक्स्ट जी हो जाएंगी अगर मैं सब एक्सप्लेन करने बैठूंगा. तो मैं एक नटशेल में बोलूंगा, तो मयंक जी शायद आप नहीं, बट बहुत हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके जो मदर्स हैं उन्होंने कंप्लेंट किए थे. Yes, sir. बहुत सारे एक ग्रुप बन गया था पूरा, एंड उन्होंने कंप्लेन किया था कि बहुत वायलेंट एनिमे है, और जिस तरह से अभी कभी हम लोग बोलते रहते हैं, हम लोग नहीं, सॉरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ लोग बोलते रहते कि अरे छोटा भीम में भी तो वो फाइटिंग है, या यू नो, ये दूसरे कार्टून में भी है, तो वो yes, भी कास्ट हो रहा है. बट अभी वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, समझने की कोशिश की, उनकी जो फैन बेस है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है. तो इसीलिए भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ऑलरेडी फैन बेस कंपेयर टू दोज, यू नो, एनिमे हमें अगर चाहिए तो अगर उसकी इतनी फैन बेस है, कार्टून्स की अगर इतनी है, तो हमें ये फैन बेस और बढ़ानी है. yes, ना कि इसमें और सेग्रीगेशंस और तोड़ती जाए, नहीं नहीं, ओनली जापानीज, नो नो, ओनली इसमें देखना है, उसमें देखना है, ये पसंद उसमें तो नहीं. और छोटी yes, छोटी छोटी, हम तो इतने छोटे हो जाएंगे, अंदर ही झगड़ा शुरू हो जाएगा, और हो रहा है, हो रहा है, अंदर ही झगड़ा हो रहा है, अंदर ही डिस्पैरिटी हो रही है. Why? Why? In fact, हमें और इसको एक्सपैंड करना है ताकि एनिमे आए. और अच्छी बात ये हो रही है कि जैसे कि अभी अजय देवगन जी ने अपने बेटे युग के लिए ये यू नो पोस्ट किया, वैसे बहुत सारे स्टार्स भी हैं जो चाहते हैं और इसे सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट yes, हमारे फैंस ही अगर नहीं करेंगे करें कैसे आएगा यार? yes, sir. You know? तो ये एक एक ये क्यों नहीं आया है, या ये क्या हुआ था, उस पे मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा, उसके लिए एक अलग से हम लोग बनाएंगे, सेपरेट सोलो एपिसोड बनाना, बिकॉज़ बहुत लंबी कहानी है वो, तो एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. यस, एंड आई हैव स्टडीड अ लिटिल बिट ऑफ इट, आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू पीपल आल्सो, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन हाउस व्हिच वाज हैंडलिंग इट, इंक्लूडिंग समबडी एट CN, यू नो, गेटिंग टू, या तो थोड़ा सा लंबा है, तो बाद में बात करेंगे. श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों को वॉइस एक्टिंग की इंस्पिरेशन कैसे मिली, एंड आप लोग वॉइस एक्टर कैसे बने, इसके पीछे की कहानी क्या है? मेरे पेरेंट्स, मैंने बताया था, बट ठीक है, चलो. माय पेरेंट्स वर इन द सेम फील्ड, डबिंग एंड एक्टिंग एवरीथिंग. सो जब डबिंग की शुरुआत हुई मेरी, अचानक ही हुई, एक्सीडेंटली मैं कहूंगी कि दूसरे लड़के को लेके गए थे डबिंग के लिए, और वो परफॉर्म नहीं कर पाया. दैट वाज, आई वाज अराउंड 4 to 5 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और मम्मी ने कहा ठीक है ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओके चलो नेशमा शुरू हो जाओ. एंड उसे बहुत कॉन्फिडेंस था कि यस मेरी बेटी कर पाएगी, उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, एंड आई होप मैं वो कर रही हूँ. एंड उस दिन इतने सालों से yes, तो मेरी मम्मी की वजह से वो वो सिलसिला शुरू हुआ. आई रिमेम्बर डूइंग दैट इन कैरियर डबिंग सेंटर वर्ली नाका में, जिसे हम करियर डबिंग सेंटर बोलते थे. तो मेरा डबिंग करियर उस करियर डबिंग सेंटर से शुरू हुआ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक्चुअली मेरा यू नो प्रोफेशन बन जाएगा. याद है अंकुर जी, हमने पता है पहले हमने अकेले तुम ये मूवी डब की थी, जिसमें अंकुर ने डब किया था फॉर आमिर खान, एंड आई डब मनीषा कोइराला. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड मेट अंकुर. दैट वी हैड डब दैट इन इंग्लिश एंड इन इंग्लिश. यस, वी डब दैट इन इंग्लिश.
और मेरी कहानी ये है कि अगेन इवन आई वाज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तो मैं फिल्म्स और सीरियल्स में काम करता था. यस सर. और मेरे जो मेरी फर्स्ट फिल्म जो थी 1985 में, उस जो 1984 में शूट कर रहे थे हम लोग, 1985 में रिलीज हुई चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की धूमकेतु नाम की फिल्म थी, जिसमें मेरे दादाजी बने थे मनोहर महाजन जी. अच्छा. सो सी दैट, सो नाउ आई हैड अ नेम लाइक एक्टर, नेश्मा वुड प्रोबब्ली हैव बीन अच्छा ओके, बट द मोमेंट आई सेड मनोहर महाजन शी आल्सो वेंट लाइक अच्छा, बिकॉज हमारी जो वॉइसिंग इंडस्ट्री उस टाइम पे ही वॉज रूलिंग नॉट जस्ट द कमर्शियल्स बट ऑल्सो सिलोन, रेडियो सिलोन जो था ना, तो जिस तरह से अमीन जी यहाँ पे फेमस थे, उसी तरह से मनोहर जी वहां पे यू नो इन श्रीलंका ही वॉज अ ह्यूज नेम ऑन रेडियो सिलोन. सो ही ऑब्वियसली न्यू वर्ड्स एंड वॉइसेस वगैरह करके जो डबिंग एडवर्टाइजिंग की जो कंपनीज थी जो चाइल्ड आर्टिस्ट को भी प्रमोट करते हैं या यू नो दे कास्ट, तो वहां पे उस हिसाब से ऐसे ही सिलसिला शुरू हो गया एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कौन कौन से एनिमे कैरेक्टर्स डब किए हैं? मुझसे ज्यादा एनिमे आई थिंक नेश्मा इज डब. एनिमे जापान से जो आता है वो एनिमेशन को एनिमे कहते हैं. नाउ ये चीज 2010 में ही बंद हो गई, सिर्फ पोकेमॉन चल रही है अभी, यू नो, एंड डोरेमोन चल रही है, डोरेमोन शिनचैन इतनी बची है. तो ये तीन चार, ये भी थोड़े सटल माइल्डर वर्जंस हैं. अब जैसे मैंने सकुरा कार्ड कैप्टर्स किया था तभी, तो वो भी शायद एनिमे ही था. कितनी सारे विंक्स किए हैं, बहुत, मतलब मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते टू बी वेरी फ्रैंक. पोकेमोन तो है ही, पोकेमोन तो जब शुरू हुआ तब भी मैं और प्रसाद हम लोग करते थे, उसके बाद जब नचिकेत करने लगा फॉर डिज्नी तो आई वॉज देयर एज मी. बहुत सारा काम किया है ऐसे, पर्टिकुलरली अगर तुम पूछोगे तो मुझे सीरियसली नाम भी याद नहीं आते. यस मैम. ऑफ कोर्स मेरा क्योंकि सोशल मीडिया से इंटरेक्शन थोड़ा लंबा हुआ है कंपेयर टू नेश्मा, तो और बहुत से आप लोगों ने ही मुझे भी एजुकेट किया है, समझाया है कि यू नो क्या है क्या नहीं है एंड एवरीथिंग. सो इट इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल फॉर द इंडस्ट्री आल्सो टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स वुड बी दैट. But आजकल Netflix most of everybody has that. Yeah. So it would be wrong on me to say speak for a particular OTT platform. But I think जहाँ पे सबसे ज़्यादा viewership आ रही होगी anime को. Like Netflix has got a couple of animes. Amazon Prime is now getting, you know, they've showcasing it. But in case if at all any channel let's say could get a time slot, जो पहले Toonami I think कर रहा था Cartoon Network पे if I'm not mistaken. तो वैसे अगर 5-6 घंटे का अगर स्लॉट मिल जाता है या तो कोई और एक चैनल ही आ जाए एनिमे का, तो बहुत yes, सर, एनिमैक्स करके था, वो भी एनिमैक्स करके था पहले. राइट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आपका ड्रैगन बॉल में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था वाइल डबिंग गोकू? अभी चीची यहाँ पे, तो ये कहूँ कि चीची से जब ऑलमोस्ट वो उसकी ऑलमोस्ट पिटाई जब होती थी तो वो भी चैलेंजिंग ही था, क्योंकि वहां पे एक अलग इमोशन होता था, हमेशा फट्टू चंद बन जाता था, वो था चीची ओ करके उसका जो वैसा होता था, वो भी इट इज अ वेरी डिफरेंट इमोशन ऑफ हाउ टू डिपिक्ट यू नो कॉमेडी. तो दैट इज द कॉमिक साइड इन फ्रंट ऑफ चीची. गोकू चाहे यू नो ताकतवर हो बट चीची के सामने वो चुआ ही रहता था, यू नो. सो दैट वुड बी अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट वे ऑफ परफॉर्मिंग. ऑफ कोर्स द हीरोइक साइड ऑफ हिम व्हिच वुड बी ईच टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो या यू नो बैटल क्राइज वगैरह जो उसके होते थे, यू नो पावर अप्स होते थे. यस सो दैट वाज वेरी ट्रिकी. जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि उसमें हमें चिल्लाना भी है, ये पैरामीटर्स भी याद रखने हैं कि यू नो यू कैन नॉट कंप्लीटली साउंड एब्सोल्युटली इविल एट द सेम टाइम व्हेन यू आर यलिंग, यू हैव टू साउंड हीरोइक आल्सो. सो वो एक हम लोग जो हमेशा साउंड इंजीनियर और मैं हम लोग जो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट. Yes, तो मुझे याद है कि इनफैक्ट जो वेजिटा के कैरेक्टर प्रसाद बर्वे, तो बैक टू बैक कुछ एपिसोड ऐसे डब हो रहे थे जिसमें यू नो बैटल चली रहा, तो लिटरली जो नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल था, लाइक यू सेड ना कि चीची का डब करके मैं तो चली जाती थी, तो नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल था तभी प्रसाद और मैं दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ एंड तो आई थिंक प्रसाद का हो चुका था, उसके चार एपिसोड जो डब कर चुका था वो बाहर आ रहा था, तो मैंने कहा
कि कितना है कितना है कितना चिल्लाना कितना है, तो हम लोग ये नहीं पूछ रहे थे एक दूसरे को कि कितने डायलॉग्स है, इसमें चिल्लाना कितना है। Oh my God. I remember I used to ask Anita, उसको भी हम प्यासे चीची बुलाते हैं पता है, चेची, तो उसको मैं पूछी कितनी लाइंस हैं, Oh my God, 200 है, 100 है, अरे बाप रे। ये होता था because at the time वो given slot में 2-4 या 4-7 में 3-3, 4-4 episodes निकालना, वो भी इस तरह से चिल्ला चिल्ला के, My God. We have to go on and on. We can't cut it off because they also have delivery. उनको delivery करनी होती है episodes की, हर हफ्ते 4 episodes या 5 episodes, you know, उनको जो deliver करने होते हैं. It was a different experience again. And जो भी उस समय जो भी hard work किया था, I feel we are getting the reward by getting so much love from the fans. Yes. So much. Yes, ma'am. Next है कि आप दोनों ने Power Rangers भी साथ में किया था, Dragon Ball भी किया था, उसके साथ जो Ed, Edd n Eddy वाला शो था वो भी किया था, तो इन तीनों ही शोज में से, मतलब तीनों ही आपने साथ में किए हैं, तो आप लोग का फेवरेट कौन सा है तीनों में से कोई एक? I think so Power Rangers हम लोगों ने जो डब किए थे, तो हर सीजन में यू नो जो मेन कास्ट होती थी ओरिजिनल यू नो यूएस में वो चेंज होती थी, सो ऑब्वियसली उसकी एसोसिएशन हमारी 1-2 साल की रही, यू नो फिर जैसे कि शी सेड के हम लोगों ने अकेले हम अकेले तुम में भी डब किया, तो उसकी तो ऑफकोर्स एक फिल्म की हमारी ट्यूनिंग रही, देन वी डब एड एड एन एडी, तो उसकी भी 3-4 सीजन आए थे, तो वो भी हुए, लेकिन जो सबसे लंबा दौर वो ड्रैगन बॉल ही था, ड्रैगन बॉल का, ड्रैगन बॉल का तो 13 मूवीज, 13 मूवीज, यस सर 13 मूवीज थे, करेक्ट, 250-300 एपिसोड्स यू नो वगैरह, तो लिटरली यू नो निश्मा आप बताना चाहोगे कि हम लोग जब स्टूडियोज भी उसके बाद आज तक We call each other. I call him as Goku. Hi Goku, and he calls me as Hi Chichi. Yes, ma'am. Next question है सर एंड मैम की, क्या आपने कभी ट्राई किया है कोई प्रोडक्शन हाउस से बोलने के लिए कि मतलब ड्रैगन बॉल सुपर को इंडिया में लाओ या फिर हिंदी डब उसके लिए मिले, तो क्या कभी ऐसा हुआ है? निश्मा जी आपने पूछा किसी? हाँ मैंने 1-2 प्रोड्यूसर से पूछा है. अच्छा, tell me one thing. Sorry, pause. ये बताएं क्या अभी? ये क्यों पूछ रहे हो? ये एक बार उसने बोला ना इसके ऊपर अलग से एपिसोड बन जाएगा. बिकॉज़ ये थोड़ी खुफिया. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल डबिंग चीची? अरे इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. सी कैसे होता है, घर पे कभी हस्बैंड पे चिल्लाने को मौका नहीं मिलता, तो यहाँ पर बहुत सारा मिला था. आई वाज एंजॉयिंग इट. नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट दैट एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस. एट टाइम्स वेरी टायरिंग ऑल्सो, बिकॉज बहुत स्ट्रेन करना पड़ता था गले को, बिकॉज शी इज कंटिन्यूसली शाउटिंग, बट द कैरेक्टर इज सच, शी इज सच अ लवेबल कैरेक्टर. वो हमेशा अपने यू नो बच्चों के बारे में सोचो या हस्बैंड के बारे में, गुहान पढ़ाई नहीं कर रहा, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा, तो जो उसका जो प्यार है, जो केयर है अपनी फैमिली के लिए, वो दिखता है. मतलब ये मत देखो कि वो कितना चिल्लाती है, ये देखो कि वो कितना प्यार करती है अपनी फैमिली से. Yes, वो ज्यादा जरूरी है. एंड आई थिंक आई एम लाइक दैट, सो मेरे लिए वो नेचुरली आता था, यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट चिल्लाना ऑन हस्बैंड, बट जो प्यार जो है, जो भी है, वो एक नेचुरल जो होता है ना इमोशन, वो वैसे आता था. So I really love the character, dubbing that special character. True. Yes. Because हमारे Indian audiences को अगर देखोगे ना, तो जो भी हमारी mothers हैं actually, तो Indian mothers ऐसी ही हैं. ऐसी ही हैं. Correct. Correct. मैं घर पे ऐसी ही हूँ. Yes sir. So ये एक अच्छा connect, because you know despite it being a Japanese anime, but see mothers are same everywhere. Yes. Yeah. The feeling is same. This is a bigger connect. Yes. Yeah. तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा. यहां पे हमारा इंटरव्यू सेशन एंड हो जाता है, जहां पे 2 पार्ट्स इसके खत्म हो गए एंड आप लोगों को बहुत कुछ जानने मिला ड्रैगन बॉल के बारे में, आपके फेवरेट वॉइस एक्टर्स यानी कि नेशमा मैम और अंकुर सर से. हम लोग कितने लकी है यार कि गोकू एंड चीची ने ऑफिशियली हम लोग को आखिर इतना कुछ बताया अपने बारे में, ड्रैगन बॉल के बारे में एंड डबिंग के बारे में. तो यार मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ जाइए अंकुर सर और नीशमा मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ताकि ड्रैगन बॉल की जब भी कोई अपडेट आए, काफ़ी कुछ लेकर मतलब ड्रैगन बॉल को लेकर इंडिया में चल रहा है, तो
तो जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोग को फटाफट से वो वहाँ पे अपडेट कर देंगे नेशमा मैम और अंकुर सर। तो आप लोग प्लीज़ जाइए उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोकू और चीची खुद हमारे साथ इस मुहिम में है ड्रैगन बॉल सुपर को इंडिया में लाने की जो कैंपेन है उसके लिए। तो सोचो हमारी टीम कितनी पावरफुल है कि हमारे पास खुद गोकू एंड चीची है जो कि चाहते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर इंडिया में आए, वो भी उनकी आवाज़ों में। तो हमारा भी यार फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करने का, तो प्लीज़ जाओ उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड भर दो फॉलोवर से। और हाँ, फॉलो करोगे ना तो प्लीज़ वहाँ पे ये बताना कि आप लोग एनिमे असेंबल यानी कि A2 फैम की तरफ से आए हो। तो प्लीज़ जब भी जाओ फॉलो करो उनको, स्टोरीज में डालो, मेंशन करो, टैग करो नेशमा मैम एंड अंकुर सर को, एंड ये बताओ कि आप लोग एनिमे असेंबल की तरफ से आए हो वहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को इंटरव्यू सेशन पसंद आया होगा, मुझे पता है आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि ऐसी अमेजिंग अमेजिंग क्वालिटी वीडियोज़ और हाँ ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आप लोग को हमेशा मिलती रहे। तो इन दी एंड यार मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा नेशमा मैम, अंकुर सर एंड आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ने इस सेशन को देखा एंड अंकुर सर और नेशमा मैम इतना प्रीशियस टाइम निकाल के हम लोग के लिए यहाँ पे आए, इतना बड़ा सेशन हम लोग को दिया इंटरव्यू का, ताकि हमारे फैंस के कुछ सवालों के जवाब वो दे सकें। तो थैंक्स टू अंकुर सर, नेशमा मैम एंड यू ऑल। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर किसी अमेजिंग वीडियो में। जब तक के लिए एनिमे फैन बने रहो, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।